तुर्की के सदर रेचेप तैयब अर्दोआन ने अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ गजा में भेजी जा रही इंसानी मदद को बढ़ाने को लेकर बात की है। अर्दोआन का कहना है कि तुर्की दौरे पर आए वजीर खारजा के साथ बातचीत में उन्होंने गजा में हर रोज ट्रकों की संख्या को कम से कम 500 तक बढ़ाने पर चर्चा की है। पेश एक रिपोर्ट। मीडिया एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस पेशकश पर अमेरिकी वजीर खारजा ने बेहतर रुख अपनाया है। तुर्की ने कई देशों की मदद से एम्बुलेंस, खाना, पानी और दवाएं गजा के लोगों को मुहैया कराने का वादा किया है। इसके अलावा तुर्की ने युद्ध में घायल हुए फिलिस्तीनी लोगों और पुरानी बीमारियों वाले मरीजों को तुर्की के अस्पतालों में शिफ्ट करने की पेशकश भी की है। मिडिल ईस्ट के देशों के दौरे के दौरान अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तुर्की पहुंचे थे। इससे पहले वो इसराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक और इराक भी गए थे।